गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आज मार्केट में क्या हुआ उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है वो आई है 11,643 के ऊपर। तो हम लोग अभी ऑप्शन चेन से फाइंड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है निफ्टी 50 को मंडे के लिए। तो हम लोग 11,650 के ऊपर एट दी मनी है। तो अगर 650 के ऊपर कॉल साइड में ओआई देखे तो 3,88,000 का है, वही पुट साइड में देखे तो 2,76,000 का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 14 लाख का 11,700 के लेवल पे। वही पुट साइड में देखें तो सपोर्ट है 11,600 के लेवल पे, जहाँ पे 15 लाख का ओआई खड़ा है। उसके बाद में अगर देखें तो 10 लाख का ओआई खड़ा है 11,500 के लेवल पे। तो निफ्टी के लिए दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ से है 11,600 एंड 11,500 का। 11,500 ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 11,500 का सपोर्ट निफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वहाँ से जो है वो एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा निफ्टी 50 का और हम 11,350 और 300 के लेवल्स आसानी से देख सकते हैं वहाँ से। तो अगर यहाँ पे राइटिंग की बात करें तो 11,750 के ऊपर 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और 11,800 के ऊपर 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। वही 11,700 के ऊपर 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। वही पुट साइड में देखें तो एक अग्रेसिव राइटिंग हमें दिख रही है 11,600 के ऊपर। तो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मंडे को निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है तो 550-570 तक जा सकता है। तो अभी बात करते हैं चार्ट से। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। सो निफ्टी ने जो आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, बट वीकली चार्ट पे निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, फॉर्म किया है। सो हैंगिंग मैन क्या होता है? तो हैंगिंग मैन इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज यूजुअली फॉर्म एट द एंड ऑफ द अपर ट्रेंड और एट द टॉप। सो अगर परफेक्ट हैंगिंग मैन का डेफिनेशन हम बोले तो स्मॉल अपर शैडो और नो अपर शैडो एट ऑल, स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर शैडो। सो निफ्टी ने प्रीवियस वीक में एक दोजी कैंडल फॉर्म किया था और आज वीकली पे हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म किया है। सो इट्स इंडिकेट एग्जॉशन ऑफ मोमेंटम बट देर इज सम रिलीफ आफ्टर पॉजिटिव कैंडल फॉर लास्ट टू सेशन। यहाँ पे दो पॉजिटिव कैंडल भी हमें दिख रही है डेली स्केल पे निफ्टी 50 में। तो यहाँ से आगे निफ्टी में क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो निफ्टी जो है वो आज रेंज बाउंड था, कुछ लास्ट के हार में वो ऊपर के साइड में गया था, बट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी 50 को है आज 11,643 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो 11,610 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी को है। अगर निफ्टी 610 के नीचे निकलता है तो वहाँ से जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 580 का, देन वहाँ से 550 का। ये दो सपोर्ट निफ्टी को मंडे के लिए है। और वही रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसा मैंने कल कहा था कि कल हमें ये लेवल्स देखने को,
मैंने कल ये मैसेज डाला था कि निफ्टी जो है हमें कल नहीं देखने को मिला, वो आज शायद से देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने जो आज 610 के ऊपर सस्टेन किया था और 660 तक गया भी था और वहां से जो है वो फिर से नीचे आया था, क्योंकि 660 के ऊपर जो है वो निफ्टी 50 को एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में जो है वो 680 के ऊपर निफ्टी 50 को रेजिस्टेंस है। तो कल मैंने ये लेवल्स बताए थे जो कि आज हमें देखने को मिले थे। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने डाला था कि 29,700 का सपोर्ट मार्केट नहीं तोड़ रहा है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो वहाँ से हमें 29,900 और 30,000 तक के टारगेट देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 30,000 के ऊपर निफ्टी बैंक को जो है वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो ये तो मैंने कल डाला था। तो अभी बात करते हैं हमारे लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के लिए। तो देखिए, निफ्टी को जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 610 का है नीचे के साइड में, और सेकेंड सपोर्ट है 550 का। तो ऊपर के साइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस सेम 660 के ऊपर है और 680 के ऊपर है। अगर निफ्टी को ऊपर का ट्रेंड चालू कर मतलब देना है तो उसको 710 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी, तभी जाके हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी अभी पॉजिटिव हो चुका है और हमें यहाँ से जो है अपर टारगेट ज़्यादा दिखेंगे। और अगर डाउन साइड में, जैसा मैंने कल कहा था कि आपको अभी सेलिंग के लिए नहीं जाना है जब तक निफ्टी 550 ब्रेक नहीं करता और उसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको सेलिंग के लिए या फिर पुट में नहीं जाना है। तो वही लेवल्स आज भी है, ऊपर की साइड में 660, 680, 710 के रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड में 610 का सपोर्ट है, उसके बाद में 570 का एक सपोर्ट है और उसके बाद में 550 का। ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 को है। तो ये थे मेरे लेवल्स निफ्टी 50 के लिए। तो चलिए बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी की। मेरे सामने बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट है। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ही रेंज बाउंड है और बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वो निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए निफ्टी बैंक अगर ऊपर के साइड निकलता है तो निफ्टी भी ऊपर के साइड निकल सकता है, उसको भी चांसेस रहते हैं। तो आज निफ्टी बैंक ने जो है, मैंने जैसे कहा था कि हमें 29,880 का वेट करना है, उसके ऊपर ही बाइंग के लिए जाना है, तो वहाँ से हमें 30,000 का लेवल भी मिल चुका था। अभी मैंने जैसे कहा है कि आप कल के लो का टूटने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही सेलिंग में जाए। तो आज मार्केट ने जो है वो अपना लो, कल का लो नहीं तोड़ा है, तो हम लोग अभी सेलिंग के लिए यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि निफ्टी बैंक ने जो है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पे 29,880 का रेजिस्टेंस मार्केट को था, उसके ऊपर की क्लोजिंग दिया है। अभी निफ्टी बैंक को जो है अगर ऊपर के लेवल पे जाना है तो उसको मेन जो रेजिस्टेंस है यहाँ से वो है 30,000 का, उसको तोड़ देना है। अगर 30,000 का लेवल टूटता है तो वहाँ से जो हमें नेक्स्ट टारगेट दिखेगा वो दिखेगा 30,150 का, और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है वो है 30,250 के ऊपर। अगर मार्केट ये दोनों रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हमें ऊपर के साइड में 30,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वही डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक को जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 29,700 के ऊपर, जहाँ पे मार्केट ने दो दिन से हमें वहाँ से एक बाउंस बैक दिया था थोड़ा सा, और उसके नीचे ज़्यादा मार्केट गया नहीं था। तो 29,700 के ऊपर एक सपोर्ट है और उसके बाद में 29,500 के लेवल पे मार्केट को जो है वो सपोर्ट है। तो चलो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी की। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की 18 अप्रैल की ऑप्शन चेन है। तो अभी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो है 29,938 के ऊपर। तो हम लोग 30,000 के ऊपर एट दी मनी है। तो हम देखते हैं अगर कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस क्या है। तो कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 4,83,000 का, जो कि है 30,000 के ऊपर। जैसा मैंने चार्ट पे भी कहा था कि 30,000 के लेवल पे एक मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है निफ्टी बैंक को वो फिलहाल दिख रहा है 3,80,000
89,000 का, जो कि है 29,500 के ऊपर। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो निफ्टी बैंक की रेंज रहेगी वो रहेगी 29,500 से लेके 30,000 तक। अगर 30,000 का रेजिस्टेंस तोड़ देता है मार्केट तो हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 30,150 का। अगर मार्केट 29,700 के नीचे निकलता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो फर्स्ट सपोर्ट है 29,500 का है। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर। तो पता नहीं मुझे ये वीडियो अभी आज मैं डालूंगी या फिर कल डालूंगी, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रही हूँ और मैं डायरेक्टली आऊंगी संडे को। तो अगर मुझे टाइम मिला ये वीडियो एडिट करके आज ही अपलोड करने में तो गुड, अदरवाइज मैं ये वीडियो कल मॉर्निंग को अपलोड कर दूंगी। और जो भी कमेंट्स या फिर मेल्स आएंगे उसका रिप्लाई मैं संडे को इवनिंग को कर दूंगी, क्योंकि मैं आज ही बाहर जा रही हूँ। तो इसलिए ये वीडियो अगर आज मैं पॉसिबल हुआ तो मैं आज डालूंगी, अदरवाइज मैं कल डालूंगी, जो कि कल डेट है 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को मॉर्निंग को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक तो करना बनता है बॉस, प्लीज़ लाइक किए बिना जाना नहीं। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको काम का लगा, ये लेवल्स भी आपके काम के लगे, तो ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि ट्रेड करते हैं, जिनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, उन सबको शेयर करो और उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।